स्वतंत्रता सेनानी और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर यानी आज 144वीं जयंती है। गरीब किसान परिवार में जन्मे सरदार पटेल ने पूरे देश को एक करने का जो काम किया उसके लिए उनका नाम इतिहास में अमिट हो गया है। आइए आज आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातों के बारे में बता दें। आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का ही कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे। गुजरात के खेड़ा जिले में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी में खास योगदान दिया। आजादी से पहले भारत छोटे छोटे 562 देशी रियासतों वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने इन छोटी छोटी रियासतों का विलय करवाकर भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। हालांकि इस काम को करना कोई आसान काम नहीं था। सरदार पटेल को इस काम को करने में काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। जहां तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, इसे पंडित नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था, परंतु ये सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद परेशान थे। निसंदेह सरदार पटेल द्वारा ये 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था, समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। आपको बता दें कि भारत का जो नक्शा ब्रिटिश शासन में खींचा गया था उसके 40% भूमि इन देशी रियासतों के पास थी। आजादी के बाद इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। सरदार पटेल ने एक के बाद एक रियासत को एक साथ लाने के लिए अपनी सारी बुद्धि और अनुभव का भारत को एक राष्ट्र बनाने में वल्लभ भाई पटेल की खास भूमिका रही। सरदार पटेल अपनी कूटनीतिक क्षमताओं के लिए भी याद किए जाते हैं। आजाद भारत को एकजुट करने का श्रेय पटेल की सियासी और कूटनीतिक क्षमता को ही दिया जाता है। पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी, जिसने मां भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया था, जिस महापुरुष ने उन सभी आशंकाओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जो उस समय की दुनिया भविष्य के भारत के प्रति जता रही थी। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं शत शत नमन करता हूं। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी वक्त लगा,
उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। हालांकि पटेल पढ़ाई में काफी तेज थे, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने कॉलेज जाने की बजाय किताबें ली और खुद जिलाधिकारी की परीक्षा की तैयारी करने लगे। इस परीक्षा में उन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। 36 साल की उम्र में सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। उनके पास कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने 36 महीने के वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर लिया। पटेल ने गोधरा में एक वकील के रूप में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने एक वकील के रूप में तेजी से सफलता हासिल की और जल्द ही वो आपराधिक मामले लेने वाले बड़े वकील बन गए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल और गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में गोरी सरकार झुकी और किसानों को उस साल टैक्स में राहत दी गई। ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी। इसी तरह साल 1928 में गुजरात में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये प्रमुख किसान आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश में कई कठोर कदम उठाए, लेकिन अंत में विवश होकर सरकार को पटेल के आगे झुकना पड़ा और किसानों की मांगें पूरी करनी पड़ी। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। 1931 में पटेल को कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। उस समय जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर पटेल ने ऐसा भाषण दिया जो लोगों की भावना को दर्शाता था। मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे, लेकिन जो राजा महाराजा वो थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। पटेल ने धीरे धीरे सभी राज्यों को भारत में विलय के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसिफ ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। निजाम ने फैसला किया कि वे ना तो भारत शामिल होंगे। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया। साल 1948 में चलाया गया ऑपरेशन पोलो एक गुप्त ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के जरिए निजाम उस्मान अली खान आसिफ को सत्ता से अपदस्त कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। देश की आजादी के बाद पटेल पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। सरदार पटेल ने अल्टीमेटली समाधान कर दिखाया। रजवाड़ों को एकता के सूत्र में पिरोकर उन्होंने भारत को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इस जटिल और कठिन कार्य को संपन्न करने में अपनी दृढ़ता के कारण वे भारत के लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए। यही नहीं, उन्होंने आजाद भारत को प्रशासन की एक मजबूत व्यवस्था भी दी। वे सही मायनों में हमारे राष्ट्र के शिल्पकार थे।
आजादी के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने उनका फैसला स्वीकार करने से इनकार करके उसे भारत में मिला लिया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। ये तो खाली बातों, जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। अब जो जफरुल्लाह साहब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा? आज कश्मीर में यूनो में गए हैं हमारे तरफ से, क्यों गए? कश्मीर का मामला तो अलग है, जूनागढ़ का मामला अलग। जूनागढ़ यूनो के पास जा नहीं सकता, क्योंकि गढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी किसी के पर, कोई हथियार चलाना। और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के पास के कराची जाकर बैठ गया, फिर जूनागढ़ की बात क्या करते हो? इस प्रकार करना चाहिए, तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो, लोकमत इस प्रकार का करे। हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है, लेकिन यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता है, तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत? हम लड़ाई करके कश्मीर को ले ले तो फिर लोकमत की जगह कहां रही? तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े, और हमारे गांव के गांव जलाए जाए, और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत कहां रहा? फिर तो आखिर और क्या करेंगे? दूसरी तरह से नहीं हो सकता है, नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। सरदार पटेल के विरोधी भी उनका लोहा मानते थे। वायसराय विवल ने अपने सम्राट को लिखा था, सरदार पटेल ही अकेले आदमी हैं जो गांधी के सामने भी खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू उन्हें भारत के स्वतंत्र संग्राम का सर्वोच्च सेनापति मानते थे। आखिर तक उनके प्रतिद्वंदी ये तय नहीं कर पाए कि वो उनसे नफरत ज्यादा करते हैं या डरते ज्यादा हैं, क्योंकि विरोधियों की सनक के आगे वो झुकते नहीं थे और हर बात पर ना करने वाले जिन्ना को भी नकार देने की हिम्मत रखते थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा उनसे आदर से सिर झुकाकर मिलते थे। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पटेल के निधन पर पंडित नेहरू ने कहा था, सरदार का जीवन एक महान गाथा है जिससे हम सभी परिचित हैं और पूरा देश ये जानता है। इतिहास इसे कई पन्नों में दर्ज करेगा और उन्हें राष्ट्र निर्माता कहेगा। प्रतिभा के धनी सरदार पटेल के विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देते हैं, और यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।